गिरिडीह में मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन के पोषण अभियान की शुरुआत हो गई। मंगलवार को मंगरोडीह पंचायत सचिवालय में विधिवत रूप से इसका आगाज किया गया। संतुष्टि नाम से शुरू हुए इस अभियान के पायलट प्रोजेक्ट के उद्घाटन के मौके पर बतौर मुख्य अतिथि उपायुक्त राहुल सिन्हा विशिष्ट अतिथि के तौर पर मोंगिया ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया मौजूद रहे। अन्य अतिथियों में मोंगिया ग्रुप के निदेशक त्रिलोचन मोंगिया, हरिंदर मोंगिया, मुखिया कृष्णलाल ठाकुर, डॉक्टर अमित गोंड, मोंगिया ग्रीन के प्रिंसिपल प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर सुरभि एक्का आदि शरीक हुए। कार्यक्रम के दौरान सबसे पहले तमाम अतिथियों को पौधा देकर सम्मानित किया गया। बाद में मौके पर डॉक्टर अमित गोंड के द्वारा बच्चों की चिकित्सकीय जांच की गई। इसके बाद बच्चों के बीच पोषाहार का वितरण हुआ। इस मौके पर डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया ने कहा कि कुपोषण एक बड़ी समस्या बनी हुई है जो बच्चों को आगे बढ़ने में बाधा दे रही है। कुपोषण मुक्ति को लेकर मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन ने पूरा अध्ययन किया, जिसके बाद इस अभियान की रूपरेखा तैयार की गई। इसके तहत पहले चरण में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जिसमें बच्चों का सैंपल मेडिकल जांच के लिए भेजा जा रहा है, जांच हो रहा है और उनके पोषण के स्तर को नापा जा रहा है। इसके बाद पोषाहार खिलाकर इनके पोषण स्तर की जांच कुछ वक्त बाद फिर की जाएगी। आगे इसे अन्य गांवों में और भी व्यापक रूप से चलाया जाएगा। उधर उपायुक्त ने कहा कि कुपोषण बच्चों के बौद्धिक क्षमता को विकसित नहीं होने देता, ऐसे में मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन का यह अभियान वाकई सराहनीय है। उन्होंने पूरी टीम को इस कार्य के लिए शुभकामनाएं दी। मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है कि एक अच्छा कार्यक्रम शुरू हो रहा है, जिससे कि हमारे आसपास में जो कुपोषित बच्चे हैं उन पर भी कुछ ध्यान दिया जा सके और उनका कुपोषण दूर किया जा सके। आज हमारे देश का ये नाम आ रहा है बाकी देशों में कि हमारे यहाँ कुपोषण के शिकार बच्चे ज़्यादा हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग एक छोटी सी शुरुआत करें, भले ही समुद्र में एक बूंद के बराबर ही हो, लेकिन हर आदमी थोड़ी थोड़ी करके भी शुरुआत करेगा तो इसका बहुत बड़ा असर होगा। जैसे हम लोग इस बात को मानते हैं कि एक छोटा सारा भी प्रयास उसका बहुत बड़ा रिजल्ट आ सकता है। जांच कराया जा रहा है और इस जांच का उद्देश्य ये है कि बच्चों में पोषक तत्व सही तरीके से मौजूद है या नहीं है, इसका पता लगाया जा रहा है। और इस एक्सरसाइज के दरमियान जितने भी बच्चे कुपोषित पाए जाएंगे, चाहे अति गंभीर कुपोषण की श्रेणी में हो या मध्यम गंभीर कुपोषण की श्रेणी में हो, सभी को चिन्हित करते हुए उन्हें एक लंबे समय तक पोषक तत्व वाला खान पान उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे कि वह कुपोषण वाले क्षेत्र से बाहर आकर पूरे पोषक तत्व वाले स्टेटस में चले जाए। सुप्रीता टिक्का है और मैं इस प्रोजेक्ट की प्रिंसिपल प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। मैं मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन में एक ऑपरेशन से काम देखती हूँ और ये प्रोजेक्ट हमारा संतुष्टि के नाम से यहाँ लॉन्च हुआ है मंगोडी गाँव में, जिसमें हम 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, जो कुपोषित हैं, जिनको पूर्ण रूप से आहार नहीं मिल रहा है, उनको हम ये अंडा दूध केला का खाना दे रहे हैं, जिसमें से 300 मिलीलीटर दूध है, एक अंडा है और एक केला है। जैसे जैसे ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, हम इसको और अपने जो सहयोग सखी हैं जो किचन में काम करेंगे उनकी मदद से इसमें और भी फूड आइटम्स आने वाले समय में ऐड करेंगे। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।